अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति की सरकार है। सरकार गठन के समय मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश से बाहर जाएंगे। लगता है भाजपा की परंपरा को निभाते हुए वे वादों को जुमला मानकर सख्त कदम उठाने के बजाय आंखें मूंद कर बैठ गए हैं। इस सरकार में गरीब फरियादी हवालात में है और हिस्ट्री शीटरों की आव भगत हो रही है। अखिलेश ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के नाम पर विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिना कुछ काम किए 3.5 साल बिता दिए। भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो या दूसरे मंडल, सब में अपराधों के आंकड़ों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष 8 महीने में ही महिलाओं के प्रति अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। महिलाओं बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं 8 महीने में गत वर्ष के बराबरी घटी है। अयोध्या में चलती बस में बेटी से गैंग रेप तो लखीमपुर में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। लखीमपुर में 20 दिन के भीतर बच्चियों के संग दरिंदगी की 3 घटनाएं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में पुलिस का कानून व्यवस्था का नियंत्रण नहीं रह गया है। वे अपराधियों पर हाथ डालने से तो बचती है, लेकिन छात्रों पर बबरता से लाठियां तोड़ने में आगे रहती है। गरीब फरियाद की मदद की जगह उसे ही हवालात में डालकर गालियां देती है, जबकि हिस्ट्री शीटरों की आग भगत की जाती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में मुख्यमंत्री का जिला बहुत पीछे है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में बलात्कार व अपहरण का यही हाल रहा तो लोग गोरखपुर की जगह इसे कुछ और कहने लगेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास कभी नहीं हो सकता। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि सर्वपल्ली दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। इनकी इच्छा अनुसार उनके जन्मदिन को देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। अखिलेश ने ट्वीट किया, आज के दिन उन सभी गुरुओं को सादर प्रणाम जिन्होंने जीवन मूल्यों के अमूल्य पाठ पढ़ाए हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि दिन दुखी की मदद करना, प्रेम करना और सौहार्द का अनुपालन ही मानव होने का मानक है। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद सीएन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रतापगढ़ निवासी चंद्रनाथ सिंह का कई दिनों से राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में इलाज चल रहा था। शुक्रवार देर रात उनका निधन हो गया। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।